दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स मौजूद हैं। इन सब में एक कार जिसे अमीरों की कार भी कहा जाता है, वो है मर्सिडीज़ बेंज। किसी सितारे जैसा चमकता इसका लोगो देखकर लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लग्जरी और परफॉर्मेंस में मर्सिडीज़ का कोई जवाब नहीं। करीब 120 साल पुरानी है इस कार की हिस्ट्री। कई कार कंपनियां आई और चली गई, मगर इसे पछाड़ ना सकी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों आज भी इस कार का दबदबा मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, बात 19वीं सदी के अंत की है, जब लोग ट्रैवलिंग के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। तब तक साइकिल का आविष्कार हो चुका था। दो इंजीनियर दुनिया को ईंधन से चलने वाली गाड़ी से सफर कराने के बारे में सोच रहे थे। एक का नाम था गॉटलीब डैमलर और दूसरे का कार्ल बेंज। दोनों जर्मनी में ही रहते थे, पर कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। डैमलर गैसोलीन से चलने वाले इंजन पर काम कर रहे थे, वही बेंज साइकिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक चार पहियों वाले ऑटोमोबाइल के इंजन को बनाने में मगन थे। कई वर्षों की मेहनत के बाद दोनों ही कामयाब हुए, लेकिन बेंज थोड़े किस्मत के धनी निकले। पहले उन्होंने साल 1883 में बेंज नाम की कंपनी रजिस्टर करवा ली। इसके बाद साल 1886 में बेंज ने मोटर वैगन के नाम से अपने इंजन का पेटेंट भी करवा लिया। इस तरह वो दुनिया को पहला इंटरनल कंबर्शन वाला इंजन बनाने वाले आदमी बन गए। यही नहीं, बेंज ही दुनिया के पहले वो आदमी थे जिन्हें पहला ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था। वही डैमलर ने अपने एक साथी विलहेम के साथ मिलकर साल 1890 में DMG नाम की कंपनी की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया जो मोटरसाइकिल या नाव से जोड़कर आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। उनका इंजन ना सिर्फ आकार में छोटा था, बल्कि बहुत पावरफुल भी था। इसी बीच डैमलर की मौत हो गई और सारा भार मेबाज पर आ गया। एक तरफ बेंज अपने आविष्कार कर रहे थे, वही दूसरी तरफ डैमलर की कंपनी को अब मेबाज संभाल रहे थे। दोनों ही अलग अलग खुद की एक बड़ी कार कंपनी बनाना चाहते थे। उन दोनों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वह दोनों मिलकर दुनिया को कुछ बिल्कुल ही नया देंगे। दोनों ही कंपनियों ने अपना काम जारी रखा और दुनिया के लिए तरह तरह के ऑटोमोबाइल तैयार किए। इस बीच पहला वर्ल्ड वॉर हो गया और इन दोनों का प्रोडक्शन कम हो गया। इस वॉर का असर जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। ईंधन की कमी हो गई थी। इतना ही नहीं, जंग के चलते दोनों ही कंपनियों को सेना के लिए वाहन बनाने पड़े। वहां वेस्ट कंट्री में नई नई कार कंपनियां खुल रही थी। बेंज और मेबाज दोनों ही घाटे में जा रहे थे। संकट की इस घड़ी में दोनों कंपनियों ने एक होने का फैसला लिया। वह एक दूसरे को सही से नहीं जानते थे, मगर अपनी कंपनियों को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। इस तरह साल 1926 में एक नई कंपनी डैमलर बेंज शुरू हुई। वॉर खत्म होने की कगार पर आई तो दोनों कंपनियों ने सोच लिया कि मिलकर दुनिया को एक नई कार देंगे। इसके बाद उन दोनों ने अपने डिजाइन को मिलाकर प्रोडक्शन शुरू किया। इसके बाद आई मर्सिडीज़ बेंज W15 कार आते ही इस कार ने ऐसा धमाका किया कि ऐसी 7000 गाड़ियां कंपनी ने बेची। इसके अगले साल ही मर्सिडीज़ बेंज दुनिया की सबसे ज़्यादा कार निर्माता कंपनी भी बन गई। मर्सिडीज़ ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिटलर की कार से लेकर जर्मन सैनिकों के हथियार भी तैयार किए। एक तरफ यह कंपनी मॉडर्न कार बना रही थी तो दूसरी ओर जंग के हथियार। दोनों में ही इसने अपना खूब नाम कमाया। भारत में मर्सिडीज़ बेंज की कार्स की एंट्री साल
1894 में हुई, कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के पुणे शहर में बनाया। सैकड़ों एकड़ में फैले इस प्लांट में मर्सरीज़ के नए मॉडल असेंबल किए जाते हैं। कार्स की बात करें तो मर्सरीज़ की पहली कार मर्सरीज़ बेंज W104 को 1995 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। मर्सरीज़ की ये कारें बहुत तेज़ी से भारत में बेची गई। बहुत से लोगों ने इस लग्जरी कार को अपना बनाया। इतना ही नहीं, फिल्मों तक में इसे इस्तेमाल किया गया। थोड़े ही वक्त में मर्सरीज़ भारत में कुछ इस तरह चली कि भारत उनके लिए एक खास मार्केट बन गया। मर्सरीज़ बेंज ने आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर लिया है। यही कारण है कि आज भी यह धड़ल्ले से बिकती है। इसका लुक और लग्जरी टच आज भी लोगों को इसका दीवाना बनाता है। यही कारण है कि इसे एक आइकॉनिक कार माना जाता है। अपना सपोर्ट बनाते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं।